गुस्सा आता है मुझे जब मुझे मेरी फसल का पूरा दाम नहीं मिल पाता है। गुस्सा आता है जब मासूम बच्चियों को हैवानियत से नोचा जाता है। गुस्सा आता है जब कर्ज के बोझ में दबा एक किसान मौत को गले लगाता है। गुस्सा आता है जब मध्य प्रदेश का नाम महिला अत्याचार में सबसे ऊपर आता है। और अब मुझे भी इस भाजपा सरकार पर गुस्सा आता है। और अब मुझे भी इस भाजपा सरकार पर गुस्सा आता है। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस के गुस्से वाले कैंपेन वीडियो का गुस्सा बीजेपी को रास नहीं आ रहा है। कैंपेन वीडियो को लेकर बीजेपी कांग्रेस के गांधीवादी विचारधारा वाली पार्टी होने पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस के इन दिनों कैंपेन वीडियो के गुस्से पर बीजेपी तिलमिलाने लगी है। एक वीडियो में जहां किसान का शिवराज सरकार पर गुस्सा दिखाया गया है, तो वहीं दूसरी वीडियो में महिला खुद पर होते अत्याचार का हिस्सा जाहिर करती दिख रही है। गुस्से से धधकते इन कैंपेन वीडियो को चुनावी अभियान के तहत कांग्रेस सोशल मीडिया व्हाट्सएप ग्रुप के साथ साथ तमाम चैनल पर ऑफिशियली दिखाए जा रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि गांधीवादी विचारधारा वाले सभी क्रोध और गुस्सा नहीं करते और ये कैंपेन वीडियो कांग्रेस का मजाक उड़ा रहे हैं। अत्याचार में सबसे ऊपर आता है। मैं मध्य प्रदेश की नारी हूँ और अब मुझे भी इस भाजपा सरकार पर गुस्सा आता है। देखिए, कांग्रेस बन चुकी है मजाक, उसकी कैंपेन भी बन चुकी है मजाक। राष्ट्रीय अध्यक्ष कहता है प्यार की राजनीति करना है, गांधीवादी राजनीति करना है, हम गांधी के लोग हैं, ये अपने मजाक बनाने का काम करते रहते हैं। और राहुल गांधी स्वयं इस प्रकार की मजाकों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बाकी इनका कोई कनेक्ट जनता से है नहीं। जनता की तासीर समझते तो देखते कि मध्य प्रदेश समृद्ध मध्य प्रदेश बनाने के लिए आगे चल पड़ा है। मुझे गुस्सा आता है, आपको लगता है गांधी जी का गुस्सा कभी? मैंने कहा ना कि प्यार की राजनीति करने वाले राहुल गांधी जी की ही पार्टी उन्हीं का मजाक उड़ाने को चली है। कमलनाथ जी की पार्टी राहुल गांधी जी का मजाक बना रही है, वो मजाक हम पूरे मध्य प्रदेश में दिखाई पड़ेगा। कांग्रेस इसे कांग्रेस का नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की जनता का शिवराज सरकार के खिलाफ गुस्सा वाले वीडियो बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि ये तो अभी कैंपेन का नजारा है, जनता अपना हिस्सा अपने वोट की ताकत से बीजेपी को दिखाने वाली है। जब कर्ज के बोझ में दबा एक किसान मौत को गले लगाता है। ये मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी बौद्धिक दिवालीपन से जूझ रही है और हमको तो भारतीय जनता पार्टी की समझ पर तरस आता है। जिस आक्रोश की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, मूलतः जनता का आक्रोश है। जन आक्रोश को कांग्रेस के मंच से हम अभिव्यक्त कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के अन्नदाता के आक्रोश को भारतीय जनता पार्टी कैसे अनदेखा कर सकती है? मध्य प्रदेश की बहन बेटियों के आक्रोश को बीजेपी कैसे अनदेखा कर सकती है? तो हास्यास्पद है कि जिन्होंने गांधी जी की हत्या करी, जो गोडसे की विचारधारा के लोग हैं, आज वो गांधीवाद के नाम पर कांग्रेस पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी जरूर अहंकार के मद में सबको नहीं देख पा रही कि मध्यप्रदेश की बहन बेटियां किस प्रकार आक्रोशित है, मध्यप्रदेश का अन्नदाता कैसे आक्रोशित है। पर 28 तारीख को भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश की जनता का आक्रोश ईवीएम पे देखने को मिलेगा। अभी तो खाली पिक्चर और प्रचार प्रसार के माध्यम में, और कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश के हर उस आक्रोश का मंच है जिसको लेकर मध्यप्रदेश की जनता बीजेपी से नाराज है। मध्य प्रदेश में इस बार चुनावी मुद्दा कांग्रेस के लिए किसान और महिला अत्याचार है। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के गुस्से वाले इन दोनों कैंपेन वीडियो में भी किसान और महिलाओं का ही गुस्सा दिखाने की कोशिश की गई है। कहीं ऐसा ना हो कि जनता इस कैंपेन वीडियो से खुद को जोड़ ना ले। शायद यही वजह है कि बीजेपी को इन वीडियो को देखने के बाद अब गुस्सा आ रहा है। और अब मुझे भी इस भाजपा सरकार पर गुस्सा आता है। रविश पाल सिंह, भोपाल। सरकार पर गुस्सा आता है। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का।